आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ गो टू स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम आपको गो टू जंप स्टेटमेंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि गो टू स्टेटमेंट क्या है, गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है यानी सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, और इस सिंटैक्स का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बना के आपको समझाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले जानते हैं गो टू जंप स्टेटमेंट क्या होता है। गो टू स्टेटमेंट इज़ अ जंप स्टेटमेंट। ये एक जंप स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अगर आपको अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र करना है तब आप गो टू जंप स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम ही है कि प्रोग्राम के कंट्रोल को ए पॉइंट से बी पॉइंट में ट्रांसफ़र करना। इसका यूज़ हम कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम कंडीशन कुछ ऐसा दे देते हैं तो ये स्टेटमेंट को स्किप भी कर देता है, जंप करने के साथ साथ स्टेटमेंट को स्किप भी कर देता है। नॉर्मली ये जंपिंग का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है जंप स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, चलिए सिंटैक्स जानते हैं। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है इसका। आपको सबसे पहले गो टू लिखना पड़ेगा, गो टू एक कीवर्ड है। उसके बाद लेबल देना पड़ेगा यहाँ पे और सेमी कोलन। ये गो टू का नेम है लेबल, और यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर लाइन ऑफ कोड होंगे। उसके बाद जो लेबल आपने दिया है गो टू के साथ सेमी कोलन से, उस लेबल को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और कोलन के साथ देना है। तो आप याद रखिए गो टू एक लेबल है, वेरिएबल नहीं है, और ये कोलन के साथ लिखा जाता है। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे हमारा लेबल और कोलन हमने लिखा है यहाँ से प्रोग्राम के कंट्रोल को जंप करेगा ऊपर, फिर ये ऊपर गो टू लेबल एग्जीक्यूट होगा और फिर ये नीचे आएगा। तो ये रिपीट होते रहेगा, और आप चाहें तो बीच वाला जो स्टेटमेंट है, बीच में जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ, इसे आप कंडीशन के अकॉर्डिंग स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंडीशन नहीं देंगे तो ये बीच वाला स्टेटमेंट भी लगातार एग्जीक्यूट करते रहेगा, रेगुलर रिपीट होते रहेगा। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स है गो टू जंप स्टेटमेंट का। अब इसका एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट भी आपको बता देता हूँ मैं। तो फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें स्टार्ट लिखना पड़ेगा, इसे हम सर्कल से डिनोट करते हैं। उसके बाद एरो, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल को दिखाता है कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, तो स्टेटमेंट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट वन दे देता हूँ मैं, ये स्टेटमेंट वन। उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट टू। उसके बाद स्टेटमेंट टू के बाद मैं एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ, स्टेटमेंट थ्री। अब इन तीन स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, गो टू ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे। तो मैं यहाँ पे लेबल भी दे देता हूँ, लेबल वन, लेबल टू एंड लेबल थ्री। तो अगर मुझे जंपिंग स्टेटमेंट यूज़ कराना है, तो सपोज मुझे स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट कराना है और स्टेटमेंट टू को स्किप करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे स्किप करने के लिए सिंपल स्टेटमेंट वन से प्रोग्राम के फ्लो को स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, गो टू स्टेटमेंट थ्री, गो टू स्टेटमेंट नंबर थ्री। ये इसे हम क्या करेंगे, डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्टेटमेंट थ्री में इस प्रोग्राम के कंट्रोल को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट टू जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद गो टू स्टेटमेंट थ्री, और थ्री एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट स्किप ना हो, स्टेटमेंट टू भी एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए भी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा कि जहां पे सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और उसके लिए भी बनाऊंगा कि कुछ स्टेटमेंट जो गो टू लेबल के बीच में होंगे वो स्किप करेंगे। तो मैं दो प्रोग्राम बना के आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए प्रोग्राम बनाते हैं स्किपिंग वाला, कि एक स्टेटमेंट स्किप होगा। इस प्रोग्राम में हम एक ओड इवेन नंबर इनपुट करेंगे और चेक करेंगे कि नंबर ओड है कि इवेन, गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया एन, और इस वेरिएबल को हमने स्कैनअप फंक्शन से रीड किया, ताकि यूज़र से जो इनपुट लेने के लिए बोले वहाँ पर एक नंबर हम इनपुट कर सकें। देन हमने यहाँ पर एक कंडीशन दिया, हमने आपको सिंटैक्स में ही कहा था कि अगर आप चाहें तो कंडीशन का यूज़ करके गो टू स्टेटमेंट से स्टेटमेंट को जंप भी करवा सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर दो से डिविजिबल होकर रिमाइंडर ज़ीरो देता है तो गो टू इवेन,
यानी जो गो टू का लेवल इवन है हम वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एल्स और ओड वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये स्किप कर जाएगा। और इवन लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इवन लेवल में हमने एक मैसेज दिया है कि नंबर जो है वो इवन नंबर है। और एग्ज़िट ज़ीरो, एग्ज़िट ज़ीरो हमने इसलिए किया ताकि इवन नंबर के आने के बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाए, नहीं तो ये ओड नंबर भी हमें दे देगा, इसीलिए हमने एग्ज़िट ज़ीरो लिखा। लेकिन अगर दो से डिविजिबल होने के बाद, इफ़ कंडीशन में अगर दो से डिविजिबल होने के बाद नंबर ज़ीरो रिमाइंडर नहीं देता है तब ओड वाले में आएगा, गो टू ओड, और ये सीधा इस लाइन को स्किप करेगा, बीच वाले लाइन को इवन वाले को स्किप करके सीधा ओड में आएगा। और यहाँ पे प्रिंट एफ में मैसेज दिया है ओड नंबर का, तो ये ओड प्रिंट करेगा। और लास्ट में हमने रिटर्न ज़ीरो किया क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसीलिए हमने एक नंबर रिटर्न करा। अब चलिए इस कोड को रन कराते हैं। तो इस कोड को रन कराने के लिए F11 प्रेस करना है आपको। मैं आपको आउटपुट विंडो दिखा देता हूँ क्योंकि आउटपुट विंडो यहाँ पे आई होप कि आपको ना दिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नंबर इनपुट कर देता हूँ 2, तो इवन 2 एक इवन नंबर है। एक बार और इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो मैं एक अनदर नंबर इनपुट कर देता हूँ, आउटपुट विंडो आपको शो कराता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं नंबर इनपुट कर देता हूँ 31, तो ये एक ओड नंबर है, तो ओड मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट करेक्ट मिला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गो टू जंप स्टेटमेंट का यूज़ करके ना सिर्फ कंसोल प्रोग्राम के कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह जंप कराया, बल्कि बीच का जो स्टेटमेंट है उससे स्किप भी कराया। अगर इवन होगा तो ओड वाला स्टेटमेंट स्किप करेगा और इवन एग्जीक्यूट करेगा, अगर ओड होगा तो इवन वाला जो लेबल है वो स्किप करेगा और ओड एग्जीक्यूट करेगा। तो अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें स्टेटमेंट रिपीट होगा। जैसे हम लूप में यूज़ करते हैं कि नेचुरल नंबर प्रिंट कराना हो तो रिपीट होते रहता है लूप, उसी तरह गो टू जंप स्टेटमेंट का यूज़ करके भी आप ये कर सकते हैं। अब सेकेंड प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर को प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हमने वेरिएबल में पहले ही एक वैल्यू सेट कर दिया 1, और जंप एक लेवल है। तो यहाँ पे ये जंप लेवल अभी काम नहीं करेगा, अभी सबसे पहले प्रिंट एफ काम करेगा। प्रिंट एफ में 1 प्रिंट होगा, उसके बाद एन की वैल्यू को हमने इंक्रीज करा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 2 <= 10, क्योंकि एन की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, 1 से 2 हो गया, तो कंडीशन ट्रू। तो गो टू जंप यहाँ से स्टार्ट होगा, गो टू जंप स्टेटमेंट, तो ये जंप करेगा लाइन नंबर 5 में। अब यहाँ पे जंप लेवल एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा 2, उसके बाद एन की वैल्यू इंक्रीज हुई। अब कंडीशन हम चेक करेंगे 3 <= 10, कंडीशन ट्रू, फिर गो टू जंप फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं हो रहा, सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा, एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रहा और रिपीट हो रहा। जिस तरह लूप में हम काम करते हैं, रिपीटिंग टास्क को परफॉर्म कराते हैं, आप गो टू जंप स्टेटमेंट का यूज़ करके भी कर सकते हैं, बस आपको कंडीशन देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, हमें रिजल्ट मिलना चाहिए 1 से 10 तक नेचुरल नंबर। मैं आपको यहाँ पे आउटपुट विंडो दिखा देता हूँ कि हमारा जो 1 से 10 नेचुरल नंबर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिपीटिंग टास्क को परफॉर्म कराया गो टू जंप स्टेटमेंट का यूज़ करके। आप गो टू जंप स्टेटमेंट का 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, जब आपको प्रोग्राम के कंसोल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना हो और साथ ही साथ स्टेटमेंट को स्किप कराना हो तब, और सेकंड, अगर आपको प्रोग्राम के कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह जंप कराना हो, जैसा इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमने सिर्फ जंप कराया और बाकी जो सारा स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर रहा हमारे कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर हम यहीं पे कुछ और कंडीशन दे देते हैं तो ये स्किप भी कर जाएगा बीच का स्टेटमेंट। तो इसका 2 तरीका है, आप इसका यूज़ इंस्टीट्यूट ऑफ लूप भी कर सकते हैं गो टू जंप स्टेटमेंट का। इसका यूज़ करने से क्या होता है, हमारे जो प्रोग्राम का रीडेबिलिटी होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। प्रोग्राम मतलब इसका प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम का होता है टॉप टू बॉटम, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम का बॉटम टू टॉप। लाइन नंबर हम 9 पे आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम ऊपर जा रहे हैं लाइन नंबर 5 में। तो यहाँ पे नॉर्मल फ्लो जो है प्रोग्राम का वो टर्मिनेट होके अपोजिट हो गया, बॉटम टू अप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा।
तो ये सिंपल सा एग्जांपल था गो टू जंप स्टेटमेंट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, फ्लो चार्ट हमने दिखाया आपको और दो प्रोग्राम करके भी आपको समझाया कि इसका प्रोग्राम कैसे बनता है और इसका आउटपुट कैसे आता है। तो आई होप कि आपको गो टू जंप स्टेटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए।